बिल्ला ते बहुत गल हो गई, होर ते भी तवे बड़े लग गए, पोलिटिकल गल्लां भी हो गई, इधर उधर ने मुद्दों भी गल हो गई। मैं अज उन्होंने मुद्दों से गल नहीं करनी, मैं किसी सरकार नू किसी लीडर नू भंडन नहीं आया, वो पोलिटिकल गल्लां होंदियां ने। मैं तो यह भी कहना वा जिदा अज सिद्धू साहब स्टेज तो कह रहे थे कि प्रगट सिंह उन्होंने आना सी, मैं उन्होंने सामने कहना सी कि तुसी इदां कीता, पर नहीं, जे कोई बंदा इत्थे साथी बन के संगी बन के संघर्षशील बन के इत्थे आके बहना चाहता, वो किसी पार्टी का हो, किसी धर्म का, किसी जात का, वह सिर्फ स्वागत करो। अज मेरे मारन का टाइम नहीं, अपनी पार्टी का झंडा अपनी गड्डी च रख के, अपने घर रख के, संघर्षशील बन के इत्थे आके बैठे तो किसान ही है साडे नाल। जे कोई चाहे कि मैं लीडरी चमकाउण आया, अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करना आया, तो उन्होंने को पाई है सड़क एक इधर नूं जांदी, एक इधर नूं जिधर जाने निकल जा, तेरी थां कोई नहीं साडे संघर्ष दे विच। असीं पार्टियां और लीडर चमकाउण नूं नहीं इत्थे बैठे। जिन्हें पंजाब की गल करनी है, पंजाब की किसानी की गल करनी है, पंजाब की जवानी की गल करनी, वह साडे नाल इत्थे बह जाए, वरना राह तुहानूं पता नहीं किधर किधर नूं जाणा, चले जाओ, नहीं तो अगले गड्डी च भाल के घल देणगे, इन्हां नूं घलना नहीं आउंदा। मैं गल सिर्फ इन्नी करना है कि पंजाब की पहचान सिर्फ दो चीजा नाल है, भगती ते शक्ति। पंजाब की पहचान की है? भगती ते शक्ति। जिन्हों कोई शक हो दरबार साहब सच्चे पातशाह के दरां ते जाके वेख लियो, उत्थे दो ही मरकज बनाए ने, दरबार साहब श्री हरिमंदर साहब भगती का मरकज है, सामने अकाल तख्त साहब शक्ति का मरकज है। सो भगती शक्ति साडी पहचान है। हुण तुहानूं मिसाल यही तुहाडे च देण लगा किसानी दी वी, कि भगती दी जे गल करिए ते सब तो पहला सिरमौर मेरा बाबा नानक लोकां दी अखां दे अगे इदां हुंदा जिदां अंबर दे सिर ते फैलिया, इदां ही गुरु नानक साडा बाबा नानक साडे उत्ते इदां फैलिया होया। सानूं लगदा है पंजाबियां नूं कि असीं जिथे वी बैठे हां बाबे नानक दी गोद च बैठे हां, बाबा नानक साडे सिर ते हथ रख के बैठा। और दुनिया दे कोई किन्ने मुल्कां दे विच पैदल उदासियां करन तों बाद, सारे संसार नूं राहे पाउण तों बाद, जिथे जिथे तक जाया जा सकदा सी सालां दे साल तों बाद, फिर गुरु नानक साहब वापस करतारपुर साहब आके 12-14 साल खेती करते रहे। उन्हें दसिया सी कि मैं पहलो किसान हाँ, किसान का पोती हाँ, मैं दुनिया के विच सच की फसल बीज के, दुनिया के विच सच्चाई की बीज का छट्टा दे के वापस आके अपनी जरखेज धरती फिर खेती की थी मेरे बाबे नानक ने। सो भगती भी साडी किसानी नाल जुड़ी है। सो भगती तो बाद जे आ जाइए शक्ति की गल करिए, तुहाडे सामने योधे की फोटो लगी है। 23 साल 7 महीने की उम्र के विच फांसी का रस्सा चुम्मन वाला साडा नौजवान, इहदी जिंदगी की सब तो पहली घटना जे किसी नूं याद होवे, अपने खेतों के विच तीले बीजता पिया सी, तीले। इहनूं किसी ने पुछिया सी पुत्तरा इह की करदा, कहिंदा तंबूकां बीज रहा, यह तंबूकां उगण गईआं ते मैं अंग्रेजां दे सीने पाड़ांगा। सो भगती और शक्ति दोनों किसानी के नाल जुड़िया हुई ने। सो साडियां जड़ां जो पिछले विजडम टुट जिन्हों कहिंदे ना मगरली दाड़, कहिंदे यही पट्टणी औखी हुंदी है, बाकी तो पट्टियां जांदियां जमूर नाल, क्योंकि इन्हां दीआं दो जड़ां हुंदियां इदां दोवें पासे। सो इह किसानी दीआं जड़ां तुहानूं पता ही नहीं कित्थे कित्थे तक फैलियां और किन्नियां इह डूंघियां ने। जे कोई सोचे पंजाब दे किसान नूं, पंजाब दी किसानी नूं हिला सकता, इनू हरा सकता है, ते उहदे मन दा बहुत वड्डा वहम है। जदों वहम कढ़ना होवे कोई किते वी कढ़ ले, क्योंकि किसानी पंजाब दी तर्जमानी है। किसानी खत्म करना करन वाली गल, बड़े सितम इह सोच के पजाए के पंजाब नूं खत्म कर देना, इह तां उह खत्म हो गई है। उदों फिर बोटा सिंह गरजा सिंह ने चुंगी लाती सी, कहिंदा चुंगी दिओगे ते अगे जान देना, नहीं ते नहीं जा सकदे। और अज गल एक नहीं, किसान की नहीं, आज तुहाडे सामने खेत मजदूर का बच्चा भी तुसी देख रहे हो, जिन्हों अपने स्कूल दे विचों, अपने स्कूल दे घड़े चो पानी पीन की इजाजत नहीं सी, इस करके स्कूलों कढ़ दिता गया सी कि उस घड़े नूं हाथ लाता सी। और अज जे तुसी इत्थे बैठे हो ना, तुहानूं नहीं उठाया जा सकता, यह तुहाडा संविधानक हक है। और तुहानूं इह संविधानक हक इस मजदूर दे खेत मजदूर दे बच्चे ने दवाया सी। सो अज जदों तुहाडे कोल किसान और खेत मजदूर दियां मिसालां तुहाडे सामने लगियां ने,
जे तो इन्हों तो वड्डा कोई इस धरती से हिंदुस्तान च हैगा तो दस दौ, पर नहीं तो जिन्हां दे मगर इन्हां दी आइडियोलॉजी खड़ी है, जिन्हां दे सिरां दे उत्ते गुरु साहब दे हाथ ने, उन्हां नूं कोई यह सोचे कि इन्हां नूं हरा देंगे, इन्हां नूं हिला देंगे, तो यह बहुत वड्डा वहम है। कोई समा सी जदों असीं ट्रालियां दे मगर अज भी किते किते फोटोआं छड़ियां देखदे आं, जय जवान जय किसान। पर अज की साडे मुल्क च हो रहा है, अज बॉर्डर दे उत्ते जवान अजाई मौत हो रही है, उहदी अजाई जान जा रही है, उहदी भावें उहनूं जो मर्जी सी कही है, देश लई अपनी जान दे रहा है, देश तों कुर्बान हो रहा है, पर किते ना किते पोलिटिकल मसले ने इन्हां दा हल करके उह कीमती जानां बचाईआं जा सकदीआं। अज दी देख दे विच किसान दे नाल जो हो रहा है, मैनूं लगदा नारा बदल गया हुण ते, जा जवान ते जा किसान हो गई है, कि ना तेरी लोड़ है ना तेरी लोड़ है सानूं। मैं हिंदुस्तान दे हर घर दे विच देखिया, 90% घरां च देखिया कि जदों असीं सवेरे रोटी खाण लगदे हां, दुपहरी रात जदों रोटी मिलदी है ना, जिन्ने दानिशमंद लोग ने, जिन्ने उस रब की रजा च रहण वाले लोग ने, और पहलों प्रशादा हाथ च फड़ के उन्हूं नमस्कार करते हैं, रब का शुक्रिया अदा करते हैं। और अज मैं बेनती करांगा जागदियां ज़मीरां वाले, जदों हाथ च अन्न फड़िया हुंदा ना, जदों उस भगवान का शुक्र करन लगदे हो, हुण एक नहीं दो नाम लिया करो, जय भगवान ते जय किसान। और एक मजे की गल, जिन्नी वार भी पार्लीमेंट दे विच आर्डिनेंस दे उत्ते बहस हुई, बहस तो हुई नहीं खैर, विचार हुई जां इनू लागू करन बारे गल्लां होईयां, लंबा समा चलिया, जिन्नी वार भी बैठकां होईयां, मीटिंग्स होईयां, दो चार घंटे बाद जदों किसानी दी किस्मत लिखी जा रही सी, किसान दी किस्मत नहीं किसान दी बर्बादी लिखी जा रही सी, उदों भी हर चार घंटे बाद कहिंदे सी ब्रेक है, जाकर खाना खा के आते हैं, जाकर रोटी खा के आते हैं। तो जो ब्रेक दे विच रोटी खान लगदे सी, रोटी दाल चावल हाथ च फड़ के मासा दर्द नहीं सी आंदा, कि ब्रेक लाके जिहड़ी चीज खाण आए आ इहनूं पैदा करन वाले नूं बर्बाद करन दीआं तैयारियां करदे पए आ। अज जिन्नी रॉकेट साइंस तुसीं देख रहे हो, नासा ते साइंसदान चले गए सी, चंद्रमा ते पहुंच गए सी, मंगल ग्रह ते पहुंच गए, जाओ उन्हां साइंसदानां दीआं चार दिन रोटियां बंद कर दो जे नासा नूं ताले ना लग जांदा। यार दुनिया च कोई खोज हो रही है, अज करोना वैक्सीन दी खोज हो रही है, करोना दीआं दवाइयां दी खोज हो रही है, साइंसदान लगे हुए ने कि करोना दी दवाई लभणी है, जाओ उन्हां लैबोरेटरीआं नूं 10 दिन रोटी दी सप्लाई बंद कर दिओ, सारे विच ही अपनियां खोजां छड्ड के बाहर आ जाणगे, फुलका दिओ पहलों कित्थे है, बर्गर मंगणगे, पीज़े मंगणगे, जो 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 भी कोई खांदा अन्न दा एक एक दाणा जिहड़ा ना, यही साडी जिंदगी है। गुरबाणी कहिंदी जेते दाणे अन्न के जियां बाज ना कोई, जेते दाणे अन्न के जियां बाज ना कोई, पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोई। तो साडे तां पाणीआं ते पहलों डाका पै गया, हुण साडे दाणे ते वी डाका मारी जांदे हो तुसीं, एदां तां नहीं मारन दिंदे फिर। फिर असीं ये भी कह दें कि संघर्ष बहुत लंबे नहीं चलते होंगे, कद तक होंगे, इहदा एंड की है, इहदा अंत की है, वह संघर्ष वह नहीं चलते होंगे जिन्होंने कोई एक धिर लैके चलती होंगी है, उन्होंने शांत कर लो वह बह जाती होंगी है। इतने तो पंजाब सारा ही कट्ठा है, मुलाजम वर्ग तुहाडे नाल है, कलाकार तुहाडे नाल है, खिडारी तुहाडे नाल है, व्यापारी तुहाडे नाल है, हर गरीब गुरबा अमीर हर बंदा तुहाडे नाल है। और असी जिन्नी मर्जी सियासतदानां नूं गालां कढ़ीए, पर उह वी किते ना किते कई सारे नहीं, कई उहनां चों किसानां दे पुत्तर ते उह वी अंदरों तुहाडे नाल ही ने, कि यार गल तां गलत है, जो हो रिहा किसान नाल इह गलत है। सो इस करके इह संघर्ष नूं जे तुसीं सोचो कि तार पीटो कर दिओगे, इहनूं खतम कर दिओगे, ते उह नहीं होणा। और मैनूं इह नहीं समझ आउंदी कि इह बिल कहिंदे किसान दे हक च ने, पर मैं ये नहीं समझ आती कि ये हक मंगे कदों सी, किसान ने कदों अर्जी पाई सी कि सानू इदां दे बिल बना के दिओ। एक छोटी जी गल है, आप सड़क सड़क
ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਬੱਸ ਰੋਕ ਲਓ ਇੱਕ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚੜਾ ਦਿਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹ ਭਾਈ ਕੂਣੀਆਂ ਮਾਰੂਗਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਧਰ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜਾਓਗੇ ਬਾਅਦ ਚੱਕੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੰਨੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਸੇ ਕਿਉਂ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਲੂਣ ਘੁੱਟਣਾ ਹੀ ਮਾਰੂ ਸਿਰ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖਾਵਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਐਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਤੋ ਕਹਿ ਦਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਅ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਇੱਟਾਂ ਸਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਸੋ ਜਦ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਅਭੀ ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਛਲਾਵੇ 'ਚ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਫੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਧੌਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਔਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੇ ਸਭ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਰ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਘੰਟੀ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇ ਧੰਨਵਾਦ